हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। और अभी देखिए सुबह के 5 बज रहे हैं, इसी समय मैं आ गई हूँ आज अपने टेरेस गार्डन में। ये समय काफ़ी सही रहता है, थोड़ी सी ठंडक रहती है। और अभी देखिए बिल्कुल ही सुबह का टाइम है, तो शाम को भी अगर हम 6-7 बजे के लगभग आते हैं अपने छत पर तो भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अभी इस समय थोड़ी सी राहत है। तो आज देखिए मैं गार्डन का अपडेट देने जा रही हूँ, गार्डन ओवरव्यू देने जा रही हूँ। और इस बार थोड़ा लेट हो गई मैं, हर महीने लगभग 1 या 2 तारीख में कोशिश करती हूँ अपडेट देने की। तो आज थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा मैं लेट हो गई। यहाँ हर बारी यहीं से शुरू करते हैं, तो इसी कॉर्नर से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए पौधों का क्या हाल हो रखा है अभी इस समय। और यहाँ पे एक मांडविला का भी पौधा है, तो इसको तो अभी मैंने शिफ्ट किया है इस साइड में। इसको पूरे दिन की धूप लग रही थी, तो यहाँ पे देखिए किस तरह से इसकी सारी पत्तियाँ जल चुकी हैं। अब जितने भी पौधे हैं, जब तक कि इनको बारिश का पानी नहीं मिलेगा तब से ये दोबारा अच्छे से ग्रोथ नहीं ले पाएंगे। और इसकी वीडियो भी मैंने शायद पिछली वीडियो इसकी थी ट्रम्पेट वाइन की, तो इस तरह से देखिए मैंने इसको सपोर्ट दे दिया है। और यहाँ पे जूट वाली बोरी बांध दी है जिससे इसको ये कवर कर ले। तो अभी इस समय पौधों का हाल गार्डन में काफ़ी बुरा है, और इनमें सुधार तभी आएगा जब इनको एक दो बार बारिश का पानी मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ये कटिंग से तैयार पौधा है पान का, इसमें 2 या 3 कटिंग लगी हुई है। और जो इसका मदर प्लांट था वो अभी लगभग 1 हफ्ते पहले ख़राब हो गया। तो पान का पत्ता भी गार्डन में संभालना, देख रेख करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसकी रूट बॉल मैंने खोल के देखी थी तो पूरा वो रेड सॉइल में लगा हुआ था, शायद यही कारण रहा हो उस प्लांट के ख़राब होने का। तो कोशिश करिए कि जब भी पौधों की रिपोर्टिंग करें सर्दी या फरवरी के टाइम, सर्दी में नहीं बारिश के टाइम में या फरवरी के टाइम में करें, तो उस समय अगर हम जड़ों को पूरा खोल देते हैं तब भी पौधों के ख़राब होने के कम चांस होते हैं। तो शायद मैंने उसको खोला नहीं था, रूट बॉल नहीं खोला था, क्योंकि उसमें रेड मिट्टी लगी हुई थी, इसी वजह से वो पौधा ख़राब हो गया। और यहाँ पे देखिए कॉटन रोज जो है उसकी हालत किस तरह से है। कलियाँ तो काफ़ी आती हैं, काफ़ी फ्लावर आते हैं, लेकिन छोटे छोटे साइज़ के फ्लावर आते हैं। और ऐसा लग रहा है ऊपर की देखिए टिप जो है जल सी चुकी है, कलियाँ जल चुकी हैं। अब एक बार फिर से इनकी प्रूनिंग मैं कर दूँगी बारिश स्टार्ट होते ही, अभी तो नहीं करूँगी, जैसे स्टार्ट होगी बारिश उस समय प्रूनिंग कर दूँगी, तो फिर से इनमें नए नए ब्रांच आएंगे। और यहाँ पे एक देखिए चाइनीज़ गुआवा का प्लांट है, और इसे ऐड किए गार्डन में मुझे करीबन 3 साल हो गया, लेकिन अभी इसमें किसी भी तरह का फ्रूट नहीं आया है, फ्रूटिंग नहीं हुई है। तो अभी इसको मैंने बड़े पॉट में शिफ्ट किया है, फर्टिलाइज़र वगैरह देके बड़े पॉट में शिफ्ट किया है, शायद इस बारिश में इसमें फ्रूटिंग हो जाए, फ्लॉरिंग हो जाए। और यहाँ पे टिकोमा के प्लांट है, सभी प्लांट्स की पत्तियाँ लगभग पीली हो रखी हैं। और गार्डन में इस समय फ्लावर मेरे गार्डन में तो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि गार्डन में पौधों को बचाना ही मुश्किल हो रखा है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इधर फाइकस मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है, यहाँ पे थोड़ी सी छाया इन पौधों की मिल जाती है बड़े पौधों की, तो जो दोनों बोनसाई प्लांट थे फाइकस के मैंने यहीं पे शिफ्ट कर दिया। और इधर नीचे जितने पौधे हैं ये लगभग कटिंग से ही तैयार पौधे हैं। यहाँ पे देखिए अबोली का प्लांट है, और इधर एलमंडा का प्लांट है, ये लल्टाना, और इधर वेरीगेटेड चांदी। तो उधर भी देखिए एक पौधा है कटिंग से ही तैयार, ये टिकोमा का ही प्लांट है। तो इस तरह से इधर जो पौधे हैं नीचे की तरफ मैंने रखा है जो कटिंग से तैयार है। अभी मरुआ तुलसी को रिपोर्ट किया था, तो प्लांट देखिए कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। और इधर वही पौधे हैं जो पहले लगे हुए पौधे थे, अडेनियम को भी मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे एक कॉटन रोज़ है मल्टीपेटल वाला, तो इसकी भी रिपोर्टिंग मैंने की है, बड़े पॉट में रिपोर्ट कर दिया है। तो इसमें देखिए कितनी नई नई सी ब्रांचेज अभी आ रही हैं। इसका पॉट पहले छोटा था, बड़े पॉट में मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है। चाइनीज़ लेमन में जितने भी पक चुके थे फ्रूट, इस तरह से देखिए मैंने इनको निकाल लिया था, और फिर से इनमें फ्रूट लगे हुए हैं, लेकिन इस समय गर्मी की वजह से इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और ये देखिए करौंदा, अभी बहुत ज़्यादा फ्लावर तो नहीं आए थे, लेकिन जितने फ्लावर आए हुए थे इस तरह से देखिए उनमें करौंदे
बन रहे हैं और काफ़ी खट्टा होता है ये, तो इसके अचार वगैरह या चटनी भी लोग बनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई है, 6-7 फ्रूट लगे होंगे इसमें, लेकिन अभी देखिए नए नए इसमें से फिर से फुटाव हो रहा है, नई ब्रांच नई दिख रही है इसमें, नए नए कल्ले दिख रहे हैं। तो इधर के हिस्से में ज़्यादा कुछ नया नहीं है, जो पहले था वही है, और आपको कहीं भी फ्लावर अभी नहीं दिख रहे हैं। अबोली पे फ्लावर आ रहे थे तो उनकी भी हालत इस समय ख़राब है, सिर्फ चंपा और नाग चंपा पे इस तरह से भर के फ्लावर आ रहे हैं। या तो आपके गार्डन में अगर विनका है, अगर विनका की देखभाल आपने की है, गर्मियों में टाइम से उनमें फर्टिलाइज़र दिया है, तो उनमें फ्लावर आ रहे हैं। तो इस तरह से देखिए पूरा प्लांट फूलों से ये भरा है। जट्रोफा पे तो हमेशा फ्लावर आते ही रहते हैं, इस तरह से छोटे छोटे से फ्लावर, तो जट्रोफा पे फ्लावर आए हुए हैं। इधर बॉटल ब्रश का प्लांट है, अभी इसमें किसी भी तरह की कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही है। ये हिस्सा भी गार्डन का वैसे ही है जैसे था, इसमें भी कोई चेंज मैंने नहीं किया है। यहाँ पे देखिए ये पौधे अपने आप ही उग आए हैं मखमली के, तो इनको चाहूँ तो मैं दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकती हूँ। और एक यहाँ पे देखिए मधुकामनी का भी पौधा उगाया है। सीड गिरते रहते हैं इन पौधों के, तो नए नए पौधे तैयार होते रहते हैं। और यहाँ पे देखिए झुमका बेल है और ड्रॉफ वाली वैरायटी, और इसमें देखिए अभी कलियाँ बन रही हैं, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा है कि बहुत अच्छे से फ्लावर नहीं हो रहे हैं। तो इसकी 3 वैरायटियां हैं मेरे पास अभी, इसमें किसी में भी अच्छे से जो देसी वैरायटी है उसमें अच्छे से फ्लावर हो रहे हैं। यहाँ पे चांदनी का पौधा है और ये देखिए ये रजनीगंधा है। बल्ब से पिछली बार रजनीगंधा में फ्लावर नहीं हुए थे मेरे, तो मैंने जितने भी 2-3 पॉट में लगे थे सबको इकट्ठा करके इसी ग्रो बैग में सारे बल्ब मैंने लगा दिए थे। यहाँ पोई का प्लांट एक मैंने लगा दिया है, इसके सहारे बढ़ता रहेगा ये। और बैगन का एक पौधा था यहाँ पे, तो इसमें भी देखिए अभी इस हिस्से में मैंने पानी नहीं दिया है, कल इस पूरे टेरेस पे मैंने पानी दिया था, रात में इधर नहीं दिया था। इधर अरबी के पत्ते पिछले ही साल के थे, तो फिर से वो इसमें देखिए उग आए हैं। और एक अभी ग्रो बैग मैंने और भी तैयार किया है, और ये वाला मुझे हटाना है प्लांट, हटा के इसमें फिर से गिलाड़िया के पौधे लगाने हैं। और यहाँ पे देखिए अरेलिया के प्लांट की हालत अब कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो इनको भी कट करना पड़ेगा। जैसे ही मौसम में सुधार आएगा तो यहाँ से कट कर दूँगी, फिर नए नए ब्रांच इसमें तैयार हो जाएंगे। और इसमें देसी वाले जितने भी हैं इनका किस तरह से देखिए, पानी ज़्यादा देने की वजह से, बहुत ज़्यादा पानी दोनों टाइम देना होता है या एक टाइम देना हो दूसरी टाइम नहलाना होता है पौधों को, तो पौधे किस तरह से देखिए पत्तियाँ बिल्कुल पीली हो रखी हैं। और एक पौधा देखिए ये बचा है अभी मेरा, क्रैनबेरी हिबिस्कस का, तो अभी जैसे ही बढ़िया मौसम होगा, बारिश वाला मौसम होगा, इसमें फिर से फ्लावर स्टार्ट हो जाएंगे आने। और यहाँ पर एक प्लांट ट्रम्पेट वाइन का है, ये अब फैल रहा है, अच्छे से फैल रहा है। और फायर बुश, और यहाँ पे येलो जैस्मिन, अभी इसमें 2-3 महीने पहले फ्लावर आए थे, तो मैंने पूरा ही इसको, सर्दियों में फ्लावर आए थे तो पूरे मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, सारे ब्रांच को मैंने कट कर दिया था। यहाँ पे देखिए बुगनवेला का प्लांट है और ये फ्लावर कर चुका है, अब इसमें जो इस तरह के ब्रांच है यहाँ से कट कर देंगे तो फिर से नए नए इसमें फ्लावर आने शुरू हो जाएंगे। तो बुगनविला भी गार्डन का बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है, इसको भी गार्डन में ज़रूर हमें ऐड करना चाहिए। और यहाँ पे इस तरह से देखिए जहाँ भी हम लोग कट करते हैं वहाँ से यहाँ कलियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। और ये चाइना डॉल का प्लांट है, इस पर भी देखिए कलियाँ बनी हुई हैं, लेकिन शायद धूप की वजह से ये खिल नहीं रहा है। और यहाँ पर एलोमांडा का एक पौधा कटिंग से लगा हुआ है, तो इसको भी जल्दी मैंने इस पॉट में शिफ्ट किया है। तो इस तरह से, और ये वाइट कनेर अभी इसमें फ्लावर नहीं दिख रहे हैं, तो ये हिस्सा कुछ इस तरह का है जैसे पहले था। फ्लावर गार्डन में अभी नहीं दिख रहे हैं, और फ्लावर जब तक कि बारिश का पानी नहीं मिलेगा, जितना भी मैंने इसमें कहीं कहीं मुझे जहाँ लगा कि शायद कंपोस्ट देने से फ्लावरिंग हो जाएगी, लेकिन उसका कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला है मुझे। यहाँ भी देखिए एक जोरा का प्लांट है, अब इसमें स्टार्ट हो चुका है, देखिए कलियाँ बन रही हैं, छोटी छोटी सी फ्लावर आ रहे हैं। तो जो भी एक जोरा का प्लांट है उसमें हल्का फुल्का फर्टिलाइज़र इस समय दे दीजिए,
और बारिश आते ही उसमें भी फ्लावर स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एक और झुमका बेल का प्लांट है ड्रॉप, ये जितने भी झुमका बेल हैं तीन तरह के हैं मेरे पास, सबसे छोटा प्लांट है ये, और इसमें इतने छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं, वाइट ही फ्लावर दिख रहे हैं मुझे अभी, इनका कलर नहीं चेंज हो रहा है, तो काफ़ी खूबसूरत ये भी लगे। और जो सदाबहार के प्लांट हैं विनका के देसी वाले, उनमें तो फ्लावर बंद ही नहीं होते, हर समय लगभग लगभग फ्लावरिंग होती रहती। यहाँ पे येलो देखिए बुगनविला है, इस तरह से इसमें फिर से फ्लावर आने स्टार्ट हो रहे हैं। वाइट वाले तो फ्लावर करते रहते हैं इस तरह से, पहले देखिए वाइट कलर में आते हैं, फिर धीरे धीरे पिंक, पहले पिंक कलर के फ्लावर आते हैं छोटे छोटे से, और फिर इस तरह से वाइट हो जाते हैं। तो और यहाँ अडेनियम पे देखिए फिर से कलियाँ बन रही हैं, एक बार इसमें फ्लावर हो चुका है और फिर से कलियाँ बन रही हैं। हिबिस्कस के जितने भी पौधे हैं चाहे वो देसी हैं या हाइब्रिड हैं, सबकी हालत इस समय ख़राब हो रही है। और ये मल्टीपेटल वाला हिबिस्कस है, देखिए इस तरह से इसमें कलियाँ बनती हैं, इनकी भी पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं। मिनिएचर हिबिस्कस, एक बार मौसम सही हो जाए तो सबकी मैं प्रूनिंग करके फर्टिलाइज़र दे दूँ। और यहाँ का जो सेटअप मैंने बनाया था वो इसी तरीके का है, कोई इसमें चेंज नहीं है, जैसे था वैसे ही है। इधर देखिए जितने भी हिबिस्कस के पौधे थे सब किस तरह से सबकी पत्तियाँ धूप की वजह से पीली पड़ रही हैं, और कुछ में शायद फर्टिलाइज़र की कमी हो इस वजह से। तो अभी तो किसी तरह का मैं कंपोस्ट इसमें नहीं दूंगी जब तक अब बारिश का मौसम स्टार्ट नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए देसी सदाबहार देसी विनका कितने अच्छे से इसमें फ्लावर आए हैं। इधर पांच छह जितने भी हिबिस्कस हैं देसी वाले मैंने इधर लगा दिया है, और मेरा एक प्लांट अभी हिबिस्कस का फिर ख़राब हो गया। इतनी ज़्यादा धूप की वजह से दोनों टाइम पानी देना या एक ही टाइम पानी देना शायद ये कारण रहा हो, और मैंने कहीं उसको छाया नहीं दिया, वो पौधा मेरा ख़राब हो गया। बहुत अच्छे से फ्लावर उसमें आते थे, पिंक कलर के बड़े बड़े साइज़ के, दो दिन तक फ्लावर टिके रहते थे। तो इस तरह से देखिए दो मैंने एक लाइन ये इस तरह के हिबिस्कस के लगा दिए हैं। और इधर जो है जितने भी गुलाब के पौधे हैं सब सही से चल रहे हैं, इस पे देखिए कितने अच्छे से फ्लावर आए हुए हैं, फ्लावर का साइज़ देखिए, लेकिन 8 फ्लावर इसमें खिले हुए हैं। तो गुलाब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोनों टाइम पौधों को नहलाना इस गर्मी में, और देखिए कितने अच्छे से सभी गुलाब में अभी भी इस गर्मी में भी ग्रोथ चल रही है। और ये मधुकामनी का पौधा है, इधर एक पौधा ख़राब हो चुका है, इस प्लांट का नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, वेरीगेटेड पत्तियाँ होती हैं। और यहाँ पे देखिए कॉपर प्लांट, ये भी लग रहा है ख़राब हो जाएगा। तो जब पौधे एक बार ऐसे लगता है ख़राब हो रहे हैं, अगर उनको हम बचाने की कोशिश करते हैं तो बहुत कम चांस होते हैं बचने के। और ये क्रिसमस ट्री है, यहाँ पे देखिए ये भी फायर बुश का ही प्लांट है, कितना ज़्यादा इस पे देखिए फ्लावरिंग हो रखी है, अब इसमें इस तरह के फल बन रहे हैं छोटे छोटे से। तो पूरी लाइन यहाँ पे मैंने इधर गुलाब की लगा रखी है, इधर हिबिस्कस की लगा रखी है, और कुछ गुड़हल के पौधे यहाँ भी हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पौधा तो अच्छे से चल रहा है, यहाँ भी देखिए गुड़हल का प्लांट है लेकिन इसकी भी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और इधर यहाँ स्टैंड पे जैसे था देखिए वैसे ही है। अब विनका को चाहिए कि फिर से एक बार कट करके प्रूनिंग करके इनमें फिर से फर्टिलाइज़र दिया जाए तो ये फिर से अच्छे से फ्लावर पे आ जाएंगे। तो इसमें कुछ देसी प्लांट भी हैं कुछ हाइब्रिड भी हैं, तो सबको मैं एक दो दिन में जब भी टाइम मिलता है सबकी ब्रांचेस कट करके इनमें DAP के दो दो चार चार दाने डाल दूँगी, तो फिर से ये पौधे अच्छे से फ्लावर करने लगेंगे। अभी देखिए ब्रांचेस कितनी लंबी सी हो रखी हैं। ऊपर जेड प्लांट है, और ये टोपियारी थी पिकॉक टोपियारी, किस तरह से देखिए फैल रहा है ये, अब इसको भी सेप में ले आना है। अगावे का प्लांट आप लगा के भूल जाइए, अगर इस गर्मी में 3 दिन 4 दिन या 5 दिन पे भी पानी देते हैं तो भी पौधे अच्छे से चलते रहते हैं। यहाँ देखिए अंगूर की बेल पहले इस साइड में थी तो यहाँ से मैंने हटा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, इसको हमेशा के लिए सपोर्ट मिल जाएगा, बार बार मुझे इसको सहारा नहीं देना पड़ेगा, और इसी पर ये पौधा फैलता रहेगा। और ये वाले हिस्से में यहाँ पे देखिए अभी फ्लावर नहीं खिले हैं, तो सुबह सुबह मैं आई हूँ टेरेस पे, जब अभी बहुत ज़्यादा फ्लावर नहीं शुरू हुए हैं पर्स लेन पे, लेकिन कुछ फ्लावर आते हैं। तो देखिए यहाँ पे पीले कलर के फ्लावर आएंगे पर्स लेन में, तो इस तरह से पूरी एक लाइन मैंने पर्स लेन और पर्चुलका की लगा दी है। कोचिया के प्लांट धीरे धीरे अब ये ख़राब हो रहे हैं,
और यहाँ पे देखिए सतावरी का पौधा मैंने लगा दिया है। ये कांटे वाले पौधे होते हैं, इस तरह से इस पे ये फैलेगा तो शायद गिलहरी इस हिस्से में आना कम कर दे। और यहाँ पे देखिए अलमंडा वाइन, इसमें भी बहुत अच्छे से फ्लावर आते हैं। ये पौधा कटिंग से तैयार हुआ पौधा था। और यहाँ पे देखिए फ्लावर अभी खिले नहीं हैं क्योंकि बहुत सुबह सुबह मैं यहाँ चली आई हूँ। ये पौधा भी देखिए कटिंग से तैयार हुआ पौधा है, कृष्ण कमल का। और यहाँ पे अपराजिता का पौधा है, ये पिछले साल का ही पौधा है। यहाँ क्लाइमेटिस वाइन है, देखिए इसकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है। यहाँ पे देखिए जगह है, एक विंडो जैसा यहाँ पे दे रखा है, तो गर्म हवाएं जब यहाँ से क्रॉस करती हैं, गर्म हवाओं के क्रॉस करने की वजह से इतनी देखिए इसकी पत्तियाँ झुलस गई हैं। बाकी नीचे इनकी ग्रोथ अभी अच्छी चल रही है और इसमें भी पर्सलिन के पौधे उगाए हैं। और ये मधुमालती झुमका बेल, देखिए कितने अच्छे से ये पौधा चल रहा है। ये भी जल चुका है लेकिन जो नए नए अभी ब्रांच हैं उसमें इस तरह से फ्लावर आ रहे हैं। और यहाँ पे कुछ पौधे जो हैं सब पुराने पौधे हैं, ये रात रानी का पौधा है और इधर अपने आप ही ये सीड से उगा हुआ फायर वुस का प्लांट, और देखिए कितना अच्छे से ये चल रहा है। इधर ये मोगरा का प्लांट है और इसकी भी हालत गर्मी में काफ़ी ख़राब हो रखी थी। यहाँ पे जेड प्लांट इस तरह से एक देखिए छोटा सा बना रखा है मैंने ट्रे गार्डन, और ये वेरीगेटेड चांदनी, इसी से मैंने कटिंग से पौधा तैयार किया है। और इसमें भी अब कलियाँ इस तरीके से देखिए बन रही हैं। इस हिस्से में फाइकस के पौधे लगे हुए हैं, नाग चंपा पे भी बहुत अच्छे से फ्लावर आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए दो प्लांट है गार्डन में, कितने अच्छे से फ्लावर आ रहे हैं यहाँ नाग चंपा पे इस तरह के। तो चंपा पे फ्लावरिंग हो रही है, अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। इधर थूजा के प्लांट हैं, तो गार्डन का हाल कुछ ऐसा ही है। बहुत ज़्यादा मेरे गार्डन में भी आपको फ्लावर नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि सारा फोकस अभी पौधों को बचाने का है। और फिर भी बहुत पौधे इस बार मेरे ख़राब हो गए, तो बारिश अभी इस वजह से मैं देखिए नर्सरी भी नहीं जा रही हूँ, कोई भी ख़रीदारी मैंने नहीं किया है इधर 3 महीने से। लेकिन जैसे ही बारिश स्टार्ट हो या मौसम में थोड़ा सा सुधार हो तो मुझे अपने गार्डन के लिए कुछ नए पौधे ले आने हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज गार्डन अपडेट। और ये नीचे वाले टेरेस गार्डन का है, पूरा टेरेस गार्डन कि अभी पौधों की हालत क्या है, पौधे किस तरीके से चल रहे हैं। ऊपर वाले टेरेस गार्डन का कल वीडियो आएगा और अपडेट। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, प्लांट्स अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ। यहाँ देखिए ये क्लिप जो है वीडियो की छोटी सी, सुबह के 8 बजे के हैं और मैं अपडेट वीडियो में इसको ऐड कर रही हूँ कि कितना खूबसूरत लगता है इस तरीके का जब पर्सलेन छोटे छोटे से पॉट्स में खिलते हैं, कलरफुल कितना कलर ऐड करते हैं इस तरीके से। देखिए सुबह के टाइम में जब मैं वीडियो बना रही थी तो उस समय सभी फ्लावर बंद थे, अब इनको जैसे ही धूप हल्की सी मिली है तो सभी फ्लावर कितने अच्छे से खिल गए हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं इस तरह से भरे भरे। यहाँ भी देखिए यहाँ थोड़ा सा ऑरेंज कलर है ये वाला फ्लावर, और कितना घना सा ये हो रखा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। जितना ज़्यादा इसमें ब्रांच जितनी ब्रांचेज आएंगी उतने ज़्यादा फ्लावर आएंगे। तो अगर हम इस तरह से यहाँ से कट कर देते हैं अभी तो इसमें काफ़ी अच्छे फ्लावर आएंगे और काफ़ी पौधा घना हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए पर्सलेन के ये वाले कलर मुझे काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, येलो कलर अलग ही सुंदरता होती है इस वाले कलर की। तो यहाँ पे भी जब पूरा ये एक रो पर्सलेन और पॉर्च इलाका के फ्लावरों से भर जाएगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा। और यहाँ पे जगह जगह अपने आप ही ये देखिए यहाँ भी इस तरह से लगे हुए हैं, और येलो की कटिंग जहाँ से मैंने ली थी इस देखिए पॉट में किस तरह से ये भर चुका है, बहुत प्यारे लगते हैं ये वाले कलर।